कैसे आप सभी लोग, चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होंगे। मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे हो कि ये वाला सब गया कहाँ, मतलब यहाँ मैंने बहुत कुछ लिख रखा था, ये गया कहाँ? तो एक्चुअली मैं बता दूँ, सारा कुछ पेंटिंग हो चुका है, ऑफिस पूरी बदल चुकी है और बाकी का जो आगे क्लासरूम था वो सारा कुछ बदल चुका है। तो कुछ दिन पहले काम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो सारा कुछ अभी फ़िलहाल में बदल चुका है यहाँ पर टोटली। अब भाई किसी को फोटो चाहिए तो बताइएगा, ऑलरेडी मैं दे दूंगा क्या क्या चीज़ें हमने बदली हैं। सारा कुछ लगभग एक हफ्ते तक काम चला है टोटली, उसके बाद से जाकर सब कुछ अभी सही हो चुका है। तो हम वीडियो बना रहे हैं आज, और ये वाली वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उनके लिए काफ़ी स्पेशल होगी जो ओला अभी लेने का प्लान कर रहे हैं या अभी वो बुक नहीं किए हैं, बुक करने वाले हैं जस्ट अभी, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अभी क्या क्या स्कूटर में चल रहा है, क्या क्या स्कूटर में नहीं चल रहा है, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो रियल में आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में उनके लिए भी मैं कुछ बताने वाला हूँ स्पेशल चीज़ें, जो लोग स्कूटर ले चुके हैं तो उनके साथ में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है और उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे उनको रिएक्शन मिल रहे हैं और क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ लास्ट में उनके लिए हेल्पफुल होगा जो लोग ऑलरेडी स्कूटर ले चुके हैं। लेकिन फिलहाल में तो ये ज़्यादातर उनके लिए स्पेशल होगा जो लोग स्कूटर लेने वाले हैं। तो जब एक व्यक्ति स्कूटर लेने की सोचता है तो उसमें क्या चाहता है कि अभी स्कूटर में क्या चल रहा है, मतलब कि क्या क्या खराबियां आ रही हैं, क्योंकि ओला के स्कूटर में देखा जाए तो ये बहुत जल्दीबाजी में प्रोडक्शन को लेकर के आए हैं। पता नहीं क्यों लेकर के आए, ये मुझे नहीं पता, जो भी हो रीज़न तो एक ही मुझे लगता है कि कोई और कंपनी आके इनको टक्कर ना देने लगे, इसकी वजह से जल्दीबाजी में सारा कुछ किया गया है जिसकी वजह से बहुत सारा लोड पड़ने की वजह से जो भी चीज़ें हैं वो सही नहीं हो पाई, यानी कि जैसे कि पैनल गैपिंग प्रॉब्लम क्या क्या अभी भी इशू फेस हो रहा है बहुत सारे लोगों को। पहला पैनल गैपिंग वाला जो कि धीरे धीरे शार्ट आउट हो रहा है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सबका शार्ट आउट होगा। कुछ लोगों को अभी स्कूटर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि अच्छा मिल जाए, मतलब जिनको अच्छा मिल रहा है उनके बल्ले बल्ले हैं, जिनको नहीं मिल रहा उनकी दिक्कत है। तो ये सर्विसिंग कितना टाइम लग रहा वो भी आपको आगे चल के मिलेगा। तो ये चीज़ पहला पैनल गैप वाला जो कि धीरे धीरे शार्ट आउट हो चुका है। दूसरा डिस्प्ले के साइड में गैपिंग वाला जो सिस्टम है वो भी धीरे धीरे पैनल गैप में ही आएगा। बेल्ट से धीरे धीरे आवाज़ आने लग रही है, जैसे कीचड़ में या कहीं ऐसे जगह पर आप चला जाते बेल्ट से आवाज़ आ रही है, मोटर एक अलग प्रकार से साउंड कर रहा है जैसे कि ई रिक्शा साउंड करते हैं ऐसा, क्योंकि मुझे 3-4 लोगों ने ऑलरेडी ये बात बताई है तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद से यहाँ पर जो डिस्प्ले सॉफ्टवेयर ग्लिच तो बहुत ज़्यादा, अभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर ग्लिच बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ऑलरेडी मले भाई ने जिनसे हमारी बात हो चुकी है, भाई ओडिशा के रहने वाले हैं, उनसे हमारी बात भी हो और उनकी और हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर के देख लीजिएगा आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे मैं साइड में वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पर दे दूंगा, उस वहाँ से जाकर के आप वॉच कर लीजिएगा। तो उनका स्कूटर ऑलरेडी वो जब आगे चलाने की कोशिश कर स्टार्टर दे रहे हैं तो वो पीछे की स्पीड में जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है वो भी किस स्पीड में, पूरी फुल स्पीड में, मतलब 110 की स्पीड में पीछे जा रहा है। तो कोई कैसे कंट्रोल कर पाएगा, वो स्कूटर को लेकर के गिर गए, स्कूटर में कुछ स्क्रैच आए और कुछ उनको भी चोट लगी, तो ये प्रॉब्लम हुआ वहाँ पर। तो ये वाला मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर ग्लिच यहाँ पर, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है कस्टमर को। इसके अलावा हैंडल लॉक वाला काफ़ी लोगों को फेस हो रहा है, तो लोगों ने अपना जुगाड़ लगा रखा है कि पावर रीस्टार्ट करने के बाद सही हो जाता है, तो अलग अलग सिस्टम से अपना लोग सही कर रहे हैं उस चीज़ को। चार्जिंग का यहाँ पर इशू है कुछ लोगों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में नहीं, मतलब चार्जर लगा देने के बाद डिस्प्ले जलता ही रह जाए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बिहार वाले जो भैया थे उनसे जब बात किया था तो ये वाली बात उनके साथ में ये प्रॉब्लम थी। तो ये नहीं, जो भी बता रहा हूँ जो हो रहा है वही बता रहा है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम ये सबके साथ में नहीं है, कुछ लोगों के साथ में है, और सारी प्रॉब्लम सबके साथ में, कुछ कुछ लोगों के साथ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है वो आपके साथ में भी आ सकती है, जो अगर स्कूटर आप लेने की अभी सोच रहे हैं तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अभी आप देख लीजिए वीडियो को, फिर आप खुद सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि अभी वेट करना अच्छा होगा या अभी बुक करना अच्छा होगा। तो ये चीज़, इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर की बात मैं बता रहा था आपको, सॉफ्टवेयर में क्या है कि कभी कभी स्क्रीन बिल्कुल ही वाइट हो जा रही है, ये 3 लोगों के साथ में हो चुका है ऑलरेडी, मैंने पिछली वीडियो में इस चीज़ को दिखाया भी था और फिर एक भाई से बात भी मेरी हो चुकी है इसको लेकर के। ये कब हो रहा है, ऑटोमेटिक बैटरी मतलब जैसे 68% 0% हो जा रही है, और ये मैंने इसके लिए भी बताया था क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनका जो स्कूटर है वो बंद ही नहीं हो रहा है, चालू के मोड में केवल स्क्रीन ऑफ हो जा रही है, बट स्कूटर फुल्ली चालू रह रहा है। तो इसके स्कूटर पता नहीं पावर को शायद कंज्यूम कर रहा है कहीं से, अगर आपने 10 दिन तक स्कूटर खड़ा रख दिया या 5 दिन तक खड़ा रख दिया, तो 5 दिन में डेली अगर 10% भी बैटरी है,
5% बैटरी ये ड्रेन करता है, अगर 10% कर दो 50% बैटरी लेकर के चला जाएगा। तो उसके हिसाब से मतलब इतना बैटरी तो ड्रेन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बैटरी ड्रेन हो रही है लगभग 7% 10% 8% के आसपास, ये 2 से 3 दिन में ड्रेन हो जा रहा है। तो ये इतनी बैटरी ड्रेन हो जाती है और उस टाइम पे आपको लगता है कि 100%, क्योंकि जब दबाएंगे ना तो पावर जैसे शो होगा तो वही शो होगा जिस मोड पे आप बैटरी को छोड़ कर गए होंगे, लेकिन जो बैटरी ड्रेन हो चुकी है वो शो नहीं होती है। एक्चुअल बैटरी देखने के लिए आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत लोगों के साथ में हो रही है, और ये इस यही नहीं किसी किसी बैटरी जब रीस्टार्ट करने के बाद भी जो दिखा रहा है उस पे जो ये समस्या आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसा हो रहा है। एक इशू था जो कि अभी फिक्स हो चुका है, वो 15% बैटरी में जो आपका स्कूटर बिल्कुल जीरो हो जाता है, एकाएक करके पावर ड्रेन हो जाता था, ये कुछ लोगों के साथ में अभी भी है और कुछ लोगों का बिल्कुल फिक्स हो चुका है। मतलब जो शायद नया स्कूटर मिल रहा है उनमें फिक्स हो गया है, पुराने वालों में अभी ये ग्लिच ऑलरेडी है, और कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद जून तक शायद ये सब कुछ सही हो जाए, लेकिन अभी शायद ही है, कन्फर्मेशन नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर। इसके और कोई इशू देखा जाए तो स्टैंड को लेकर के लोगों को, मतलब स्टैंड कमजोर है तो उसको, वो तो भाई सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं, कुछ ऐसा ग्लिच नहीं है, तो वो उसके लिए मेन स्टैंड आएगा, क्योंकि मेन स्टैंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़, इसके अलावा और कोई बात यहाँ पर नहीं है। मतलब खराबी में अगर बात करें तो यही सारी खराबियाँ हैं बॉडी, मतलब अगर मटेरियल की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, सारे पार्ट पुर्जों की बात करें तो काफ़ी बेटर है, स्कूटर देखने में काफ़ी अच्छा है, बट ये चीज़ें हैं। अब चलिए बात करते हैं सर्विसिंग की लेकर के, तो सर्विसिंग में यहाँ पर आपको समय लगता है। अगर आपका स्कूटर ऐसी जगह से, हमारे यहाँ गाजीपुर में स्कूटर आ चुका है, बिहार में स्कूटर आ चुका है, भागलपुर में स्कूटर आया हुआ है, तो 3-4 लोगों से हमारे बात करने का जो एक्सपीरियंस है, सबका कहना यही है कि पटना में इसका वेयर हाउस है, तो पटना से आते हैं लोग, और जैसे आप कॉल करेंगे तो तुरंत कॉल तो लगता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो 2 से 3 दिन बाद आपका ये सब कॉल अटेंड करेंगे। कॉल अटेंड करने के बाद जैसे आपका कॉल अटेंड होगा, वो डेट बताएं कि इस दिन हम आपका स्कूटर उठा लेंगे, तो उस दिन आके रियल में उठा लेते हैं लोग, तो 1 से 2 दिन का फिर टाइम देते हैं, तो कुल मिलाकर 3 से 4 दिन दर लग गया उसका, स्कूटर आपका जाता है, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी स्कूटर जाता है, उनकी वो वैन नहीं आती है, 4 से 5 ही वैन यहाँ पर है बस, अभी फिलहाल पटना में 2 ही वैन है हमारे यहाँ यूपी को देखा जाए तो, और भी कहीं वेयर हाउस बना हुआ लखनऊ में बना हुआ है, तो वहाँ पे कितनी होंगी अब देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ये वहाँ के जैसे सिटी में, मेन सिटी में लोग जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ होता है उसको सही करते हैं, मतलब गाड़ी में ही सही कर देते हैं, नहीं तो बाकी वो पटना लेकर जाएंगे, वहाँ पर 2 से 3 दिन फिर लगता है, फिर ला करके देते हैं। कुल मिला के एक व्यक्ति को 7 से 8 दिन का टाइम लग जाता है सर्विसिंग को कराने में यहाँ पर, ये चीज़ अभी शो हो रही है। अभी इतने कम स्कूटर बिकने के बाद ये हाल है, तो ओला को कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना चाहिए यहाँ पर। मैं भी अपने स्कूटर को इतना अच्छा बनाएं कि ऐसी दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के स्कूटर हमने देखे हैं, किसी किसका मैं नाम गिनाऊं, लेकिन जितने भी मैंने देखे ये तुरंत आने के बाद तुरंत वाली खराबी अच्छी नहीं लगती, मतलब तुरंत प्रॉब्लम हो जाए ये अच्छा नहीं है देखा जाए तो बहुत सारे स्कूटर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि स्कूटर आपने खरीदने के कुछ ही दिन बाद स्कूटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम शो होने लगती है, और ऑलरेडी फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ओला के साथ में हो रहा है। अब पता नहीं क्यों हो रहा है, इन्हीं कंपनी है जिसके साथ में ऐसा चीज़ घट रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ, मतलब जितने लोगों ने लिया है मे भी सबके साथ में ऐसा लगभग हुआ है, किसी कोई भाई लक बाई चांस ऐसा व्यक्ति होगा जिसके स्कूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, वो आज तक मतलब जब से लिया तब से अभी तक बिल्कुल बेढंग चला रहा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब 2 महीने स्कूटर लेने के बाद 2 महीने 3 महीने भी आदमी न चलाए तो फिर बड़ी शर्म की बात होती है, तो स्कूटर लेने के बाद अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ वेट करिए, जब सब कुछ हो जाए तो कम से कम स्कूटर ले 6 महीने साल भर तो बिल्कुल आराम से चलाएगी, बैटरी वाला स्कूटर में क्या खराबी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आ रही है अभी इसी वजह से। अभी ओला ने सब कुछ ले धीरे धीरे काम करना चालू किया है, तो जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो सर्विसिंग में अगर इधर कोई लोकल में ले रहा है तो मैं बता दूं आपको 1 हफ्ते के आसपास टाइम लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा मतलब सिटी एरिया है तो वहाँ भी 2 से 3 दिन का आपको समय लग जाएगा फिलहाल को देखते हुए, और जब पता नहीं 10-12 लाख स्कूटर जब इनके बिक जाएंगे तो क्या समय लगेगा, वो तो सोचने वाली बात और देखने वाली बात होगी अभी यहाँ पर। तो ये सारा कुछ है, जो भी लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से मैं अभी भी उनको यही बोलूँगा कि अगर उनके पास कोई स्कूटर की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, काम चल रहा हो, तो वेट कर सकते हैं वो। मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ, 21,000 रुपये दे करके वेट कर रहा हूँ, 20,499 फिर 499 फिर 499, मैंने 2-2 स्कूटर बुक किया इनका, और आप सोच सकते हो कि मैं यूट्यूबर हूँ फिर भी वेट कर रहा हूँ क्यों। बहुत लोगों को लगता है कि यार ये वो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई नॉलेज तुम्हारे पास है ही नहीं, वीडियो बना देते हो, तो उनको मैं बता दूं जितना वो लोग ये चूहल पोल करते हैं और कूदते हैं उनके लिए एक जानकारी बताऊं, वो
ये कुछ जितना मैंने बताया ना, ये पूरी जानकारी लेने के बाद एक हफ्ते की मेहनत हुई है इस पर, तब जा करके ये बका जा रहा है। तो कृपया ध्यान दें इस बात को कि कुछ भी बकने से पहले हम जो बक रहे हैं उसको ध्यान से पहले सुन लें। ओके, तो चलिए ये एक बात थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वीडियो जा करके देखिएगा, सारा कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही बताया जा रहा है। अभी स्कूटर हो तो पता नहीं मैं क्या क्या चीज़ें बताता, लेकिन वो रियलिटी जो है वो है। अब चलिए बात करें जिनके पास स्कूटर आता है उनको कितनी खुशी होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मिलती है तो उसकी एक खुशी ही अजीब होती है। मतलब जैसे किसी लड़की को आपने प्रपोज किया और उसने अनएक्सेप्ट कर दिया आपको, उसके बाद से आप फिर भी हार नहीं माने, उसके पीछे लगे रहे, बहुत सारा आपने मेहनत किया, मेहनत के लास्ट में उसने एक्सेप्ट किया होगा, तो कितनी खुशी होती है, मतलब दिल को बहुत ज़्यादा खुशी कि यार मेरा मुझे प्यार मिल गया बहुत मेहनत के बाद, है ना। तो वैसी खुशी यहाँ पर ओला के साथ में आपको होगी, एक मतलब अलग सा ही फील होगा जब स्कूटर आएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे आप जन्नत में जा रहे हैं। मतलब आने वाला होगा तो पूरा घर खुश हो जाएगा, पूरा आप खुश रहेंगे और बहुत ज़्यादा ही मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, अब मैं बता नहीं सकता, आप खुद ही जिनको मिला होगा वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए हम भी ऑलरेडी अभी तक रुके हुए हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो हमारा ऐसा एरिया है ना कि बिल्कुल गांव वाला एरिया है, और यहाँ पर स्कूटर ख़राब हो भाई से तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, फिर एक बेइज्जती वाला मतलब हो जाएगा। इसी वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, और वेट क्या, जून के बाद ही तो लेना है मुझे, उससे पहले तो मुझे लेना भी नहीं है, आप जानते ही हो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो 20,000-21,000 जो भी है ओला के पास में क्या दिक्कत, थोड़ा ओला कुछ तो कुछ उससे जो भी इंसेंटिव कमा ले अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के हमें कोई ओला से एतराज़ नहीं है, मैंने पैसा दिया, मैं रोक कर रखा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं EMI नहीं हुआ, भाई EMI मैं चूज कर रहा था, नहीं हुआ उस टाइम नहीं हुआ, अब तो हो भी रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप बात को। चलिए तो ये बात मतलब कि एक अजीबो गरीब खुशी होगी आपको, पहला ये चीज़। दूसरा, स्कूटर मिल जाने के बाद आप जहाँ भी लेकर के जाएंगे वो देखो ओला, अरे ओला आ गया, ओला जा रहा है, मतलब ये एक बैकग्राउंड जो साउंड आने वाला है उसके बाद से आपके दिल में जो खुशी होने वाली है वो एक अलग ही रहेगी। इसके अलावा रोक रोक के आपसे लोग पूछेंगे वो एक अलग ही रहेगा। ये चीज़ आपको बहुत सारा बताना पड़ेगा कि मतलब स्कूटर इतने का लिया, इतना रेंज देता, इतनी बैटरी, ये बहुत सारा कुछ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, एक आंतरिक संतुष्टि आपको मिलने वाली है। क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है ना वो आई कैची डिज़ाइन है, और रियल में इसकी बॉडी बहुत बाकी स्कूटर से कंपेयर किया जाए तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ, ऐसा नहीं बोल, मतलब अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, बॉडी बहुत अच्छा है, बस फिटिंग में दिक्कत है। मतलब कि जो कुछ भी इनमें पुर्जे लगे हुए हैं वो मजबूत मजबूत पुर्जे हैं, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से ये चीज़ कन्फर्म किया तभी बता रहा हूँ। बाकी बस इसमें जो भी चीज़ें हैं वो दुरुस्त से मतलब मेंटेन नहीं है, जैसे कुछ नहीं होता है कि आपने मोबाइल बनाया, पार्ट जो बनाया उसको अब कसने में आपने सही से नहीं कसा, ढीला डाला छोड़ दिया, ऐसे कुछ इसके साथ में पुर्जे सारे मजबूत हैं, बस क्या है कि उसे नट, बाकी बोल्ट, मैकेनिक सिस्टम जो कि काम करते हैं वर्कर लोग उसको कसने के लिए, फिटिंग करने के लिए, वो सही से नहीं हो रहा, इसी वजह से ऐसा कुछ रह जा रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर में जो ग्लीच है, सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी ओला काम कर रहा है, मे बी जून तक काम कर लें या जून से पहले काम कर लें, तो जब भी कर लें, और जून के बाद करें तो फिर बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा रिएक्शन होना है, तो जून से पहले काम कर लें काफ़ी अच्छा होगा कि जून आए उसके बाद 3-4 दिन में दे दें अपडेट, ताकि सब लोग कम से कम म्यूजिक प्ले कर सकें, क्रूज कंट्रोल यूज करें, कॉलिंग का फीचर यूज करें, नेविगेशन तो देना चाहिए, लेकिन नेविगेशन भी नहीं मिला है, और ये चीज़ होना चाहिए था। अब ये सारा कुछ यहाँ पर है, तो बहुत आपको ऐसे मतलब कि ये नहीं होगा कि अगर आप स्कूटर लेंगे तो लेने के बाद आप पछताएंगे, ये तो आप भूल जाइए, स्कूटर आपको मिलेगा तो आपको खुशी होने वाली है, आप रियल में खुश होंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम बताई वो अभी भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, बहुत लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है जितना मैंने बताया आपको। तो आपका ओला आने के बाद 1-2 बार सर्विसिंग तो आपको करानी ही पड़ेगी, सर्विस तो लेना ही पड़ेगा उसका। अब वो सर्विस 14 दिन में मिले, 15 दिन मिले, और एक बात मैं बताना भूल गया था, ये जब स्कूटर जाता है तो कुछ कुछ लोगों का 14 दिन 15 दिन तक वहीं रह जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, एक भाई का बोट इस पर चलो मैंने देखा वीडियो, मेरी पीछे वाली वीडियो आप देखिएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, मैंने अभी जस्ट बताया था उसमें उनका स्कूटर जाने के बाद 2 हफ्ते तक वहीं रह गया, केवल एक बूट स्पेस जो था इससे ओपन नहीं रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी इसको लेकर के, तो ऐसी प्रॉब्लम है। फिर एक भाई का सॉफ्टवेयर था वो अभी तक पता नहीं कहाँ है स्कूटर उनका, कुछ पता नहीं है जाने के बाद, तो सॉफ्टवेयर में क्या था पूरी बैटरी ड्रेन हो जा रही थी, और बैटरी रहने के बावजूद भी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जा रही जिससे ओपन हो नहीं रहा था, तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी। और
आप समझ ही सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम अगर आपके साथ में आ जाए, बीच रास्ते में आ जाए, कहीं आप काफ़ी दूरी पे चले गए हों आ जाए, तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। रात का समय हो और ये सब प्रॉब्लम आ जाए, स्कूटर का हैंडल लॉक हो जाए, स्कूटर का हैंडल ना खुले, या स्कूटर चालू ना हो, या वाइट स्क्रीन वाइट हो जाए, रात के समय आप फंसे हो, फिर आप सोचिए उस टाइम पर क्या हो सकता है। तो इसलिए अभी मैं आपसे बस यही रिकमेंड कर सकता हूँ कि फ़िलहाल में गाड़ी है भाई, समझ सकते हैं ये चीज़ें जो है ना, ये साथ में दिखाने के लिए कोई लेना चाहता है बस ऐसे ही मटर गस्ती करने तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अगर ओला स्कूटर को प्राइमरी स्कूटर बना करके अब चाहते हैं कि मैं उससे डेली का आवागमन जाऊँगा आऊँगा, तो अभी ये उस लायक स्कूटर नहीं है, मैं आपको कह दूँ। क्योंकि उस लायक तब बनेगा जब ये सब कुछ इसका सही हो जाएगा, तब इस पर आप बिल्कुल बिलीव करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं, कहीं भी लेकर के आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये नहीं रहेगा बीच में कहीं फंस जाए, कुछ भी हो जाए। और जिनको इस गाड़ी अभी बहुत अच्छे से चलानी नहीं आती, अगर वो लोग ले ले, पता चला कि कुछ बीच में दिक्कत हो जाएगी, लेकर गिरा देंगे, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा, हमारे तरफ से अभी यही है कि आप होल्ड कर सकते हैं। अगर स्कूटर अभी बुक नहीं किया तो बुक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक करने के बाद भी वैसे भी इनका 4 से 5 में देखिए, अभी जो लोग बुक किए 20,000 का ऑप्शन पता नहीं कब आएगा, उसका कोई सही नहीं है। जब भी आप मैसेज डालेंगे तो बोलेंगे हम जल्दी ही खोलेंगे, अब वो कब खुलेगा कुछ पता नहीं, तो ये चीज़ चलता रहता है बस। और भी कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और जिनको लगता है कि ये वीडियो बेकार थी, तो मैं बता दूं उनके लिए वीडियो नहीं थी। जिनको लगता है कि ये वीडियो बेकार थी, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग स्कूटर खरीदना चाहते हैं, चाहे जो लोग स्कूटर खरीद चुके हैं उनके साथ में जो चीज़ें होती हैं मैंने बस यही बताया है इस वीडियो में, और कुछ भी नहीं। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो बाकी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं उसी एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर किया हूँ, ताकि आप ये बात समझ सकें कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बस। तो मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, जय।